गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज आपकी हिंदी की कक्षा है और ये बुक है आपकी हिंदी की, जिसका नाम है मेरा प्रथम स्वर ज्ञान। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है ई की मात्रा। ये बड़ी ई है, ई की मात्रा। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं छोटी ई, ई, और ये है ई। ई और ई में क्या अंतर है? ई जो होता है, छोटी ई, वो अक्षर से पहले लगती है और बड़ी ई अक्षर के बाद। देखिए, ये अक्षर है, ये इसके बाद लगी है, ये है इसकी पहचान है। छोटी ई, जो छोटी ई का साउंड होता है वो जल्दी होता है ई, और बड़ी ई का साउंड लंबा होता है ई, जैसे घ ड ई, घड़ी। हा ह आ थ ई, हाथी। त ई त ल ई, तितली। देखिए इसमें ती ली, तितली, ये छोटा साउंड है और ये लंबा साउंड है, तितली। म छ ल ई, मछली। तो हमने क्या सीखा? देखिए, अब हम छोटी ई और बड़ी ई में अंतर समझेंगे। जैसे ये राइटिंग रूल है हमारा, यहाँ पर व्यंजन है क, अब हम इसमें लगाएंगे छोटी ई। छोटी ई हमने बताया आपको अक्षर से पहले लगती है, की, और बड़ी ई अक्षर के बाद, की। तो क्या अंतर दिखा? छोटी ई पहले और बड़ी ई बाद में, ठीक। साउंड रूल, बोलने में अंतर। बोलने में अंतर कैसे पहचानेंगे? जैसे की, ये इसके पास जा रही है, देखिए की, और ये नीचे की, ऊपर को जल्दी की। ऐसे ही इसके कुछ शब्द हैं, जैसे र व ई, रवि, रवि। अगर हम इस पर बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा? रवि। अगर बड़ी की मात्रा आप लगा देते हैं तो ये बोला जाएगा रवि, और छोटे ई की लगाकर रवि, 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 रवि। ऐसे ही बोलने के साथ प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, जिससे आप इनका अंतर समझें। ओके, आप ऐसे ही इस पेज का अभ्यास करेंगे बोल बोल कर पढ़ने का। तो आज आपका ये चैप्टर था बड़ी की मात्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।